तेज तर्रार ईमानदार आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाने वाले वीरता पुरस्कार से सम्मानित जय नारायण सिंह ने गोरखपुर के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी जय नारायण सिंह मूल रूप से आजमगढ़ जिले के महनाजपुर के निवासी हैं। प्राथमिक शिक्षा गाँव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई है, उसके बाद बनारस में इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद बीएचयू में आईटी इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। पहली पोस्टिंग अल्मोड़ा उत्तराखंड में एसपी के पद पर हुई थी। मऊ व संत कबीर नगर औरैया प्रतापगढ़ एसपी रह चुके हैं। गाजियाबाद जैसे जिले में 34 महीने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद के साथ नोएडा मेरठ में भी एसएसपी रह चुके हैं। आईजी सहारनपुर आईजी रेंज लखनऊ भी रहे हैं। पीएससी लखनऊ से गोरखपुर आईजी बनाए गए हैं। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में आईजी जय नारायण सिंह ने कहा कि महिला कांस्टेबलों की काउंसलिंग कराकर उन्हें समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सभी थानों में महिला बाथरूम की व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्य करने की पूरी छूट रहेगी। पुलिस विभाग में 95% ईमानदार पुलिसकर्मियों के बीच 5% पुलिस की छवि खराब करने वाले पुलिसकर्मी की शिनाख्त कर दंडित किया जाएगा। अच्छे पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए दरवाजे हमारे हमेशा खुले रहेंगे। जनता की सेवा करना हमारी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में आईजी रेंज जय नारायण सिंह ने कहा, अब मैं 94 बैच आईपीएस से हूँ। मेरा गृह जनपद आजमगढ़ है। मेरी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा आजमगढ़ में हुई, उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में से मेरी शिक्षा 6 से लेकर के 12 तक बीएचयू कैंपस में केंद्रीय विद्यालय से हुई। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन आईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ। फिर मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। मेरी विभिन्न नियुक्तियाँ पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर, औरैया, मऊ, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, डीआईजी सहारनपुर, डीआईजी ओब्लिक आईजी लखनऊ, और वर्तमान में जाते हैं मैंने अभी यहाँ गोरखपुर में अपनी रिपोर्टिंग दी है जाते हैं। और इसके अलावा साइट पोस्टिंग में लंबे समय तक मैं पीएससी में भी रहा हूँ। जैसा कि इन जिलों में सबसे बड़ी समस्या हमारी जी रहते हैं अपना जो है जनता की जो भूमि विवाद की जो समस्या होती हैं, और वही हमारे विभिन्न अपराधों के कारण भी बनते हैं। तो जो हमारा थाना दिवस है और जो हमारा थाना है, हमारा प्रयास होगा कि जाते हैं कि वहाँ पर जो भी शिकायतें आती हैं एक समयबद्ध प्रक्रिया के तहत उनको पूरा किया जाए। लोगों को अनावश्यक जाते हैं विभिन्न कार्यालयों में न दौड़ना पड़े, थाना को थोड़ा सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ लूट और डकैती की जो घटनाएं हैं जाते हैं जो उन घटनाओं को सही सही उनका वर्कआउट किया जाए। और हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं और अधिकारी लोग भी सीयूजी नंबर पर हमेशा उपलब्ध रहें, जिससे कि जो है लोगों की समस्याओं का अनावरण किया जा सकते हैं और उसको बढ़िया से जाते हैं, लोगों को एक अच्छा पुलिस के प्रति जो है उनका जो है विचार भी बने। इसके लिए अभी जो है विशेष रूप से जैसा कि महिला जो हमारी कर्मी हैं उनके लिए हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनके यहाँ उनसे मूल समस्याएं जो रहते हैं जहाँ पर हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, और उनकी काउंसलिंग भी महिला अधिकारियों के द्वारा जाते हैं जनपद गोरखपुर में अपना प्रारंभ किया जा रहा है। और इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी अवकाश की एक बड़ी समस्या होती है, और हमारा प्रयास होता है कि इस चीज़ को भी अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किया जाए कि जो भी कर्मचारी है जिनकी ये समस्या है उनको जो है समय समय से अवकाश मिलते रहे। और इसके अलावा जो जीपीएफ से लेकर के अन्य समस्याएं हैं उनको हमारा प्रयास होगा कि समयबद्ध उनका जो है निस्तारण होते रहे, जिससे कर्मचारी अनावश्यक जो है परेशान ना हो और इस तरह का कोई कदम ना उठा पाएँ। मेरा वही कहना है कि हम लोग का पूरा हम एक पूरा पुलिस एक परिवार की तरह है,
उनकी जो भी समस्या है, कहीं कोई अगर किसी रूप में कोई समस्या है उनकी, कहते हैं अगर सीओ से निस्तारित नहीं हो पा रही, एसपी लेवल पर भी अगर कोई उनका निस्तारण नहीं हो रहा है, तो हम लोग अधिकारी भी हमेशा उपलब्ध हैं, कहते हैं अपना कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनका परिवार और ये पूरा पूरी परिवार की भी, कहते हैं अपना जो है वो एक हमारा किसी कोई भी अगर कर्मचारी किसी तरह का कदम उठाता है तो उससे पुलिस परिवार के एक सदस्य का भी जो है नुकसान होता है, उसका पूरा परिवार जाते हैं अकेला हो जाता है, उसके माँ बाप अकेले हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि जाते हैं मतलब जो है हर तरह से जो है पूरे समाज से लेकर के जाते हैं पुलिस परिवार को जो है किसी तरह जो है इस तरह की दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सके। जनता से यही अनुरोध है कि हम लोग पर मेरे द्वारा जाते हैं अधिकारियों पर विश्वास रखें, उनकी जो भी जिन भी समस्या होगी हम लोग हर स्तर पर जाते हैं उनको जो उसका निस्तारण कराएंगे, कहीं भी इस पर विश्वास रखें जाते हैं कि हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। जो सर कहीं पर पुलिस कर्मियों में आरोप भी लगता है भ्रष्टाचार का, तो कहीं बहुत अच्छा काम भी करते हैं, इन लोगों के लिए क्या प्रयास है? देखिए जैसा मैंने बताया कि जाते हैं जो इस तरह के कुछ पुलिसकर्मी हैं उनको हम चिन्हित भी करेंगे, जाते हैं जो कि ऐसा 90-95% हमारे कर्मचारी जाते हैं अच्छे होते हैं, जाते हैं कुछ लोग होते हैं जो विभाग की बदनामी कराते हैं, आपके माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, अजनता के माध्यम से जो भी इस तरह के लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको मालूम है इसके लिए डीजी साहब का कमांडेशन डिस्क होता है, इसके अलावा हम लोगों को प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, इसके अलावा उनके करेक्टर रोल में गुड एंट्री दी जाती है, इसके अलावा जाते हैं मतलब जो भी इस तरह का काम करेगा जाते हैं उसका आपके मीडिया साथी लोग भी उसका सहयोग करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को हम लोग जाते हैं मतलब हर तरीके से उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। जो